माफिया में अधिकतर बीजेपी वाला है, उधर सुरवे से नीतीश कुमार के बदनाम करने के चक्कर में उधर नीतीश जी उसके फेरी में पड़ल है। आपको हिम्मत है तो ऐसे तानाशाह और निरंकुश सरकार नीतीश सरकार से समर्थन आपस लेकर और चलिए जनता के बीच में। ये मारा है बिहार में सत्ता में रहने वाला आदमी सब कर रहा है शराबबंदी। आप तो देख रहे हैं तो होम डिलीवरी है शराबबंदी, कहाँ शराबबंदी, तो बस नाम का है। इतना जो शराब माफिया कारोबारी सब है किस पार्टी का है? सब बीजेपी का लोग है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में शराबबंदी और शराबबंदी को 5 साल हो चुके हैं, वहीं अब बीजेपी और जेडीयू के बीच विवाद हो रहा था जिसमें राजद ने बड़ा बयान दिया है। राजद विधायक मुन्ना यादव ने कहा है कि बीजेपी वाले शराब बिकवाते हैं, बीजेपी वाले अधिकतर शराब माफिया हैं और कारोबारी हैं और नीतीश कुमार को बदनाम करते हैं। ये बातें विधायक मुन्ना यादव ने कही हैं, वहीं राजद के अन्य विधायकों ने भी कई सारी बातों को कहा है। तो आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राजद के विधायक। बीजेपी पूंजीवाद का पार्टी है, पूंजीवाद का, और शराब माफिया में अधिकतर बीजेपी वाला है। उधर सुरवे से नीतीश कुमार के बदनाम करने के चक्कर में उधर नीतीश जी उसके फेरी में पड़ल हैं। ये जो होम डिलीवरी हो रहा है, चाहे इतना जो खेप आ रहा है बिहार में, सत्ता में रहने वाला आदमी सब कर रहा है। अब वो गरीब आदमी तो एकाध बोतल तारीफ पी लेता था, कहता है 72% आ गया, अब चलो जेल में। तो नीतीश जी को तो समीक्षा करना ही चाहिए। जितना जो शराब माफिया कारोबारी सब है किस पार्टी का है? सब बीजेपी का लोग है। क्या देखिए, हम लोग कसम खाए हुए थे विधानसभा में कि न पिएंगे, न पिलाएंगे, न पीने वाले का समर्थन करेंगे। लेकिन आखिर हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके बिहार में शराब की ट्रकें कहाँ से आ जाती है? कुछ पॉकेट में तो लेके तो नहीं आता। पर डे जो है 1000 से ऊपर शराब का ट्रक आता है बिहार में। पड़ोसी राज्य जो है वो सब माला माल हो गया, तो इस पर समीक्षा तो करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। देखिए, शराबबंदी के लेकर तो हम बीजेपी और जेडीयू में आपस में लड़ रही तो बात है, पूरा बिहार इसके लिए बेहाल है। जिस प्रकार से अभी नालंदा में देखिए किस प्रकार से 14 आदमी का मृत्यु हो गया, 3 आदमी का आँख का रोशनी चला गया, मगर यह जो है सो निरंकुश और तानाशाह सरकार किसी का सुन नहीं रही है। और जो लोग इस पर आरोप लगा रहे हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भाई संजय जायसवाल जी और जो है सो हमारे आदरणीय मांझी जी, पूर्व मुख्यमंत्री मांझी जी जो आरोप लगा रहे हैं, तो सत्ता के दो एक सिक्के हैं, उसका पहलू हैं दोनों आदमी। तो पहले ये लोग जो जनता के बीच में अपना सुरखुरू कहने के लिए बात जो बोलते हैं, तो जब जो सरकार निरंकुश है, जो सरकार तानाशाह है, आपके ही समर्थन से 3 नंबर की पार्टी जो है वो सरकार चला रही है बिहार में, और आपका ही बात नहीं मान रहा है, तो जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को बेवकूफ़ समझते हैं? आपको हिम्मत है तो ऐसे तानाशाह निरंकुश सरकार नीतीश सरकार से समर्थन आपस लेकर और चलिए जनता के बीच में। जनता के बीच में मध्यवर्ती चुनाव हो और जनता फैसला करे कि शराबबंदी से जो गरीब गुरबा शोषित हुए हैं, अगर छोड़ते हैं तो आप बीजेपी के साथ जाएंगे? हम लोग क्यों जाएंगे बीजेपी के साथ? हम लोग तो बराबर शुरू से राजद और हमारा नीति रहा है। जिस समय नीतीश कुमार राता-राती चले गए थे, उससे पहले हमारे दल को भी आया था कि नीतीश कुमार को हटाकर मानवर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना लीजिए। सुनिए कहते हैं आपको, तो उस समय तो हम गए ही नहीं, तो अब हम क्यों जाएंगे? हम तो मध्यावधि चुनाव की बात कर रहे हैं, हम बीजेपी के साथ जाने की बात कहाँ कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी को जो इनका नीति है उसके अनुसार हम लोग इनके साथ भी नहीं जाएंगे कि सत्ता के लिए कब पलट जाएंगे, अपने बेविचार के लिए कब पलट जाएंगे, कब किसके साथ धोखा दे देंगे, यह कोई छुपी हुई बात नहीं है, यह जग जाहिर है, पूरे बिहार के लोग जान चुका है। हम लोग तो मध्यावधि चुनाव की बात कर रहे हैं कि जनता आवे जनता के बीच में। शराबबंदी आप तो देख रहे हैं तो होम डिलीवरी है शराबबंदी, कहाँ शराबबंदी, तो बस नाम का है। पहले तो कम से कम लोगों को दुकान तक लेने जाना पड़ता था, अब तो होम डिलीवरी है, अब तो घर घर पहुंच रहा है। तो आपने सुना कि राजद के विधायकों ने क्या कुछ कहा। राजद के विधायकों ने साफ साफ कहा कि बिहार में होम डिलीवरी होती है शराब की, और पहले तो दुकान पर लेने जाना पड़ता था, अब तो घर में ही शराब मिलती है। वहीं राजद विधायक मुन्ना यादव ने बड़ा आरोप लगाया है बीजेपी पर, बड़ा आरोप लगाया, कहा है कि बीजेपी वाले दारू माफिया हैं, शराब माफिया हैं। वहीं राजद विधायक अनिल सहनी ने कहा है कि
नीतीश कुमार अहंकारी हैं और ये भी कह रहा है कि बीजेपी को मध्यवर्ती चुनाव कराना चाहिए, तीसरी नंबर की पार्टी के साथ क्यों हैं जब बीजेपी और जेडीयू में इतना विवाद है तो उसके साथ क्यों हैं, कई सारी बातों को कहा है राजद विधायकों ने। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस पर क्या कहती है। तब तक के लिए बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।